वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लास है दोस्तों। आज हम उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों उद्योग के विषय में पढ़ने से पहले हम कुछ समझते हैं उद्योग किस स्थान पे लगाया जा सकता है, उसके लिए आवश्यक कारक क्या क्या होता है। उद्योग दोस्तों कहीं पर लगाने के लिए सबसे पहले वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए, वहाँ पर तैयार सामान के लिए बड़ा सा बाजार हो जिससे हम तैयार सामान को उस बाजार में बेच सकें। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर श्रमिक होने चाहिए, सरकार की नीतियाँ भी उद्योग के अनुरूप होने चाहिए। ये सब दोस्तों वहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे उद्योग प्रॉफिट में या लाभ में हो सकता है। दोस्तों चलो देखते हैं भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग किस किस राज्य में किस किस स्थान पर स्थित है। सबसे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपको बताऊँगा, जम्मू कश्मीर दोस्तों सबसे पहले श्रीनगर में है, श्रीनगर में ऊनी वस्त्र उद्योग है। उसके बाद दोस्तों पंजाब में अमृतसर में है, जालंधर में है दोस्तों। अब दोस्तों हरियाणा में देख लेते हैं, हरियाणा में दोस्तों पानीपत में है, उसके बाद गुरुग्राम में है, चलो दोस्तों उसके बाद इसी के साथ में देख लेते हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग है। एक जयपुर में है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों दूसरा बीकानेर में है, चलो दोस्तों देख लेते हैं गुजरात में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिसे आप समझ जाना गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद में है ऊनी वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद में है। दूसरा दोस्तों जामनगर में स्थित है, दोस्तों इसी के साथ में हम देख लेते हैं महाराष्ट्र में सूती ऊनी वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक में देख लेते हैं, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थित है। दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहा हूं ऊनी वस्त्र उद्योग किस किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले चलो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है, उसके बाद दोस्तों पंजाब में, दोस्तों पंजाब में अमृतसर में स्थित है, उसके बाद जालंधर में स्थित है, हरियाणा में पानीपत और गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में बीकानेर और जयपुर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं गुजरात में स्थित है जामनगर में, उसके बाद अहमदाबाद में है दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है, उसके बाद दोस्तों कर्नाटक में बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है ऊनी वस्त्र उद्योग, ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हम यूपी में देखेंगे किस किस स्थान पर ऊनी वस्त्र उद्योग स्थित है, मुरादाबाद में है दोस्तों, मुरादाबाद में है, शाहजहांपुर में है दोस्तों, दोस्तों आगरा में है, आगरा दोस्तों यूपी में स्थित है, कानपुर में है दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग, उसके बाद दोस्तों मिर्जापुर में स्थित है। चलो दोस्तों
उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में ऊनी वस्त्र उद्योग है, मैं उसको आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों, ऊनी वस्त्र उद्योग यूपी में मुरादाबाद में स्थित है, शाहजहाँपुर में स्थित है दोस्तों, आगरा में स्थित है, मिर्ज़ापुर में है दोस्तों, कानपुर में स्थित है, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, आप लोग इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं रेशम उद्योग भारत के किस किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों सबसे पहले अनंतनाग में स्थित है। अनंतनाग दूसरा दोस्तों श्रीनगर, तीसरा दोस्तों बारामूला, अब दोस्तों कर्नाटक राज्य में देखते हैं किस किस स्थान पर रेशम उद्योग है। दोस्तों, कोलार में है, उसके बाद दोस्तों बंगलुरु में है, बंगलुरु हो गया दोस्तों, तीसरा मैसूर हो गया। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल में देखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे आप समझ जाना, पश्चिम बंगाल इसका मीन्स होता है। इसमें एक है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद दूसरा है बांकुड़ा, बांकुड़ा। दोस्तों, आप लोग को मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ रेशम वस्त्र उद्योग किस किस राज्य में किस किस स्थान पर है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं जम्मू कश्मीर में बारामूला में है, अनंतनाग में है, श्रीनगर में है दोस्तों। अब कर्नाटक में देख लेते हैं, कर्नाटक में दोस्तों बंगलुरु में है, उसके बाद दोस्तों कोलार में है, मैसूरु में है, उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा में है, मुर्शिदाबाद में है दोस्तों। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों चलो देखते हैं, अब तो दो उद्योग हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, उसके बाद रेशम वस्त्र उद्योग हो गया, अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे प्रथम मुंबई में स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। दोस्तों, शुरुआती चरण में क्यों सूती वस्त्र उद्योग मुंबई और गुजरात में ही विकास हुआ, इसे समझने के दोस्तों प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग का विकास शुरुआती चरणों में महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ, क्योंकि वहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते थे। उसके बाद दोस्तों सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल कपास होता था, जो कि वहाँ पे मिल जाता दोस्तों, इसके लिए वहाँ पे नम जलवायु भी मिल जाती थी दोस्तों। उसके बाद जैसे सामान निर्मित होता था, उसके बाद दूसरे देश में हम समुद्र के द्वारा दूसरे कंट्री में भेज सकते थे, इसीलिए शुरुआती चरणों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में ही विकास हुआ। दोस्तों चलो देखते हैं उसके बाद भारत में कहां कहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। दोस्तों, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, भारत में सबसे सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में, 1854 ईस्वी में दोस्तों मुंबई में हुआ था। दोस्तों, महाराष्ट्र में देख लेते हैं कौन कौन से स्थान पर सूती वस्त्र मिले हैं। दोस्तों, मुंबई हो गया एक महत्वपूर्ण स्थान, उसके बाद दूसरा पुणे है दोस्तों, पुणे है दोस्तों, तीसरा जलगांव है, जलगांव है दोस्तों, उसके बाद औरंगाबाद है, पांचवा दोस्तों वर्धा में है। अब दोस्तों ऐसे अपना तमिलनाडु स्टेट इस साइड से इस तरह से है कुछ,
इसमें देखते हैं किस किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग है। कोयम्बटूर में है दोस्तों, कोयम्बटूर में है दोस्तों। उसके बाद इस साइड यहाँ पे मदुरई है दोस्तों, दोस्तों अब देखते हैं गुजरात में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है। दोस्तों अहमदाबाद में है सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद में है। दूसरा दोस्तों राजकोट में है, तीसरा दोस्तों पोरबंदर में है दोस्तों, जहां पर हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों उसके बाद हम यूपी में देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है कानपुर में। दोस्तों उसके बाद हम इस साइड वेस्ट बंगाल में देखेंगे कहां कहां पर सूती वस्त्र उद्योग है। दोस्तों मुर्शिदाबाद में है, मुर्शिदाबाद में है दोस्तों, हावड़ा में है, तीसरा दोस्तों हुगली में है। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं एमपी में कहां कहां पर, मध्य प्रदेश में किस किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग है। दोस्तों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एमपी में, मध्य प्रदेश में इंदौर में है, उज्जैन में है दोस्तों, ये सब दोस्तों महत्वपूर्ण केंद्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के। दोस्तों मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी 1854 ईस्वी में मुंबई में। दूसरा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों 1854 में सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई मुंबई में। अब उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थान पर सूती वस्त्र मिले हैं। उसके बाद दोस्तों पुणे में है, उसके बाद दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है, जलगांव में स्थित है, वर्धा में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों गुजरात में किस किस स्थान पर है। गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है, राजकोट में स्थित है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ था, पोरबंदर में स्थित है। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु स्टेट में किस किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है, मदुरई में स्थित है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दोस्तों इंदौर में स्थित है, उज्जैन में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण केंद्र सूती वस्त्र उद्योग का कानपुर में है। पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में है, हुगली में है, हावड़ा में है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आप लोग हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हम बता दिए हैं ऊनी हो गया, रेशम हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। आप लोग दोस्तों बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाया जाए, ज्योग्राफी किसी टॉपिक पे। आप सभी साथियों का धन्यवाद।